ज्ञानवापी पर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने जब बयान दिया तो पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब तो और भी ज्यादा तहलका मचने वाला है, क्योंकि अब ज्ञानवापी में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है। बाबा ने कुछ ऐसा धमाकेदार बयान दिया है जिसे सुनने के बाद कट्टरपंथियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी का तो नाम ही बताता है कि वो ज्ञान का कुआं है। कुरान मैंने पढ़ी लेकिन कहीं उसमें ज्ञानवापी का जिक्र नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक निजी न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर किए गए सवाल पर कहा था, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। उसके बाद अब बाबा बागेश्वर ने भी ज्ञानवापी को लेकर बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ज्ञान का कुआं ही ज्ञानवापी का उल्लेख है, ज्ञानवापी खुद में परिपूर्ण है। मैंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, अगर उसमें कहीं उल्लेख हो ज्ञानवापी का तो मुझे बताइएगा। इतना ही नहीं, नूह हिंसा पर भी बाबा बागेश्वर ने कट्टरपंथियों को तगड़ी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, राम जी के राज में राम जी की यात्रा और वो भी भगवान शिव शंकर के मास में उपद्रव मचाना हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, और तो और वो राक्षस ही हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।